पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अराइज होता है बच्चों के मन में दैट वेदर वी वॉन्ट टू गिव अ ग्रुप ग्रुप भले वो कोई रिपीटर हो या वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बंदा हो बट ये कंफ्यूजन अराइज होना बहुत जायज सी बात है नाउ ये डिसीजन तुम्हारे अलावा तुम्हारे लिए कोई और नहीं ले सकता है और अगर लेगा तो वो गलत होगा इस वीडियो में मैं सिर्फ तुम्हें कुछ फैक्टर्स बताऊंगा जो हेल्प करेंगे तुम्हें डिसाइड करने में कि सर ये मेरे से पॉसिबल है बोथ ग्रुप देना या सिंगल ग्रुप्स के हिसाब से मैं सेफ साइड पे जाऊं अब देखो तुम्हारे सब्जेक्ट से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट दिस इज इन ग्रुप वन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स और इंटीग्रेटेड बिजनेस दिस इज इन ग्रुप टू इट इज ऑलवेज एडवाइसिबल आप अगर सिंगल ग्रुप के हिसाब से जा रहे हो तो आप पहले ग्रुप वन दो और फिर ग्रुप टू दो बिकॉज आप ग्रुप वन के हिसाब से आप जो करोगे वही चीजें जो है वो इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन के अंदर आपको हेल्प करेगी ठीक है नाउ फैक्टर्स क्या क्या अपने को करने हैं तुम्हारा सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए करीबन करीबन पंद्रह फेब्रवरी तक मेरा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए मेरे सारे चैप्टर्स कंसेप्चुअल क्लियरिटी के हिसाब से मैंने सारी चीजें पढ़ ली है ये मेन चीज जो है वो तुम्हें डिसाइड करनी है और अगर तुम्हें लगता है कि सर मैंने दस एक परसेंट जितना कोर्स कंप्लीट कर दिया तो लेट मी टेल यू पॉसिबल है आप बिल्कुल दो ग्रुप के लिए जा सकते हो ठीक है अब दो ग्रुप के लिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा टारगेट डेट टू कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट विथ चेंजेस अगर आप रिपीटर हो उनकी बात कर रहा हूं मैं आपको चेंजेस भी पढ़ने पड़ेंगे कि ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स न्यू सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं तो टारगेट डेट टू कंप्लीट ऑल द सब्जेक्ट विथ चेंजेस इज बाई टेंथ ऑफ मार्च यानी अप्रोक्स अभी से लेके फिफ्टी डेज है तुम्हारे पास नाइन डेज पर सब्जेक्ट के रेट से अगर आप चलो तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल दिक्स सब्जेक्ट बाई टेंट मोर देन इनफ एक बार पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई करना लर्न करना थोड़ा प्रैक्टिस करना जो करना है वह सब चीजें टेंथ मार्च से कंप्लीट करनी है क्यों उसके बाद हमारे पास पचास दिन रहेंगे टेंथ मार्च के बाद सिर्फ फिफ्टी डेज रहेंगे जिसको डिवाइड करूंगा दो पार्ट में फर्स्ट रिविजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए थर्टी डेज के अंदर दैट इज एट द रेट ऑफ फाइव डेज पर सब्जेक्ट सब्जेक्ट है पांच दिन एक सब्जेक्ट का आपको ग्यारह बारह घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा उसमें तुम्हारा फर्स्ट रिविजन हो जाएगा सेकेंड रिविजन जो है वो ट्वेंटी डेज का चलेगा जिसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली थ्री डेज पर सब्जेक्ट रहेगा कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है या ऑडिट होता है यह बहुत बड़े सब्जेक्ट होने के कारण शायद तीन दिन में पूरे ना हो तो चार दिन लगेंगे और उस हिसाब से आपके आपके 20 डेज के अंदर लास्ट यू नो रिवीजन होगा प्रेफरेबली आप तीन दिन में खत्म करो तो ज्यादा बेटर है चीज ठीक है है तो इस तरह से अगर पॉसिबल कि मैं इतने तारीख तक कंप्लीट कर सकूं यू कैन गो विध बोथ द ग्रुप्स बट इफ यू फील कि नहीं सर मेरा अभी तक लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए कुछ कुछ चैप्टर्स है जो मुझे अभी भी नहीं आते ठीक है और मैंने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है तो तुम फैक्टर इन कर सकते हो कि नाउ इट माइट बी डिफिकल्ट कि मैं अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट करूं और फिर मैं पढ़ाई करने बैठूं छह के छह सब्जेक्ट की फिर मैं रिवीजन करूं तो इट माइट बी डिफिकल्ट और ऐसा अगर फैक्टर आता है तो फिर इट इज एडवाइजेबल आप एक सिंगल ग्रुप के लिए जाओ बट अगेन दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी और अगर तुम्हें लगता है मैं इफेक्टिवली एवरी सिंगल डे 10 से 12 घंटे पढ़ ही पा रहा हूं और वो मोमेंटम आ चुका है तो बिल्कुल आप बोध ग्रुप के लिए जा सकते हो ठीक है आई होप ये सब चीजें जो फैक्टर्स uh, है ये आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करेंगे एंड आप सही डिसीजन लेंगे थैंक यू